कौन? मैं दीपू, मोंटे का दोस्त हूँ। हाँ हाँ, उसका फोन आया था, आओ अंदर आओ। सर, ये आपके लिए भेजा है मोंटी ने। रुको, मैं तुम्हारे लिए टॉवल लेकर आता हूँ। तुम बारिश में बहुत भीगे हुए हो, कपड़े उतार लो, मैं सूखने के लिए डाल देता हूँ। नहीं सर, रास्ते में अपने आप सूख जाएंगे। ये बारिश तो सारी रात चलेगी, ऐसे में घर कहाँ जाओगे, यहीं रुक जाओ। हेलो। हाँ, वो तो यहीं है। हेलो, क्या? अभी आ रहा हूँ मैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है? सर, मेरी माँ सीढ़ियों से गिर गई है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। ठीक है, रुको, कहाँ जा रहे हो? सर, कपड़े पहनने। तुम्हारे कपड़े तो सारे भीगे पड़े हैं, तुम मेरे पहन जाओ। ये लो तुम्हारे लिए शर्ट। ये तो बहुत महंगी शर्ट है सर, मैं नहीं ले सकता। यार, तुम अपने लिए दूसरी ले लेना, ये मुझे पसंद आ गई है, ये मैं रख रहा हूँ। तुम रहते कहाँ हो? सर, जनता कॉलोनी। ओ, कैसे जाओगे? पैदल। पैदल जाओगे तो बहुत लेट हो जाओगे। चलो मैं अब तुम्हें अपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ। सर, आप क्या तकलीफ करते हो, मैं चला जाऊंगा। यार, जरा अपनी कार की चाबी देना। कहाँ जाओगे? अबे यार, घर जाना है, बाप का फोन आया था। अच्छा रुको, ये लो रख लो, जरूरत पड़ेगी दवा दारू के लिए। नहीं सर, ये मैं नहीं रख सकता। जिद मत करो, उदास समझ के रख लो, जब हो तब वापस कर देना। थैंक यू सर।
एक बात बोलूं यार? ₹1,500 पड़े हैं तुम्हारे पास? क्या करते हो इतने पैसों का? कल ही तो तुम्हें ₹3,000 दिए थे। यार साला बाप बिजली का बिल जमा कराने के लिए बोल रहा था, तो वो पैसे मैंने अपने बाप को दे दिए। नहीं सर, ये मैं नहीं रह सकता। और कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं सर, जॉगिंग पे निकला था, अब घर जा रहा हूँ। आओ बैठो अंदर। जॉगिंग करके आए हो? थोड़ा शावर ले लो। जब मैं पहली बार आपके पास आया था तो सिर्फ अपने दोस्त की खातिर आया था। उस दिन जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया उससे मेरे मन में आपके लिए इज्जत बढ़ गई और आपको खुश रखना मेरा मकसद बन गया। क्या हुआ सर? बस यही मैं नहीं चाहता। मैं समझा नहीं। तुम मेरे काम को एक एहसान समझते हो और उसकी कीमत चुकाना चाहते हो। तो आप क्या चाहते हैं? प्यार। प्यार चाहता हूं मैं। तुम जा सकते हो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। Thank you.
अरे तुम ये क्या है? सर जो पैसे आपने दिए थे उसमें से ये बचे हैं, बाकी के जो खर्च हुए हैं वो मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। लेकिन मैंने कब वापस मांगे? आपने नहीं मांगे लेकिन लौटाना तो मेरा फर्ज है। रुको, क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? आप मुझे अपनी दोस्ती के लायक समझते हैं? समझता ही नहीं, जानता हूं कि सिर्फ तुम ही मेरी दोस्ती के लायक हो। क्या चल रहा है ये? अबे साले, तू भी घुस गया इसके बिस्तर में? ये क्या बकरा है तू? वैसे कैसा लगा मेरा दोस्त? तू तो मजाक को भी सीरियस ले रहा है। लगता है मेरा आना तुम दोनों को बुरा लगा है। मुझे डर लग रहा है। किस बात का? वो कहीं कुछ करना बैठे। क्या कर लेगा? तुम नहीं जानते, एक गलती हुई है मुझसे। कैसी गलती? मेरी मोंटी से मुलाकात एक गे सोशल ऐप पर चैट के दौरान हुई थी। हम दोनों एक दूसरे से एक रेस्टोरेंट में मिले और उसके बाद हम एक दूसरे के करीब आए। लगता है जिसकी मुझे तलाश थी वो आज मुझे मिल गया। तो क्यों ना इस हसीन मुलाकात को कैमरे में कैद कर लिया जाए? मैं भी यही चाहता हूं, ताकि जब तुम मुझसे दूर रहो मैं तुम्हें देख सकूं। बस उसी वीडियो के डर ने मुझे उसका गुलाम बना रखा है। कहीं वो इस वीडियो का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर लेगा? कर भी सकता है, मैं उसको बचपन से जानता हूं। हेलो, मैं चौकी से इंस्पेक्टर खान बोल रहा हूँ। सागर से बात करनी है। मैं सागर ही बोल रहा हूँ।
एक ब्लू फिल्म हाथ लगी है, तो खुद चौकी आएगा या मैं अपने आदमी भेजूं? आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ तो सब जाएगा जब डंडे तेरे पिछवाड़े में घुसेंगे। अब तू बता, तू आएगा या मैं तुझे लेने आऊं? जी जी मैं आता हूं आपके पास, बताइए कहाँ आना है। ठीक है, मैं कल सुबह 10 बजे तुझे कॉल करूंगा और बताऊंगा कहाँ आना है। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है या नहीं कर रहा? क्या करूं मैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पुलिस कभी फोन करके बुलाती नहीं है, ब्लू फिल्म के केस में सीधा धावा बोलती है। वो फोन पुलिस वाले का नहीं था, अगर फोन पे कोई पुलिस वाला होगा तो वो जरूर मोंटी का खरीदा हुआ आदमी होगा। और अगर वो सच में पुलिस वाले का आदमी हुआ तो? वो सिर्फ तुमको पुलिस का डर दिखा के धमकाना चाहता है। तो अब क्या करें? मेरे एक जानकार है जो पहुंचे हुए वकील है, साथ में LGBT एक्टिविस्ट भी है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। चल एड्रेस लिख, बताता हूँ कहाँ आना है। ओ सुन, पुलिस वाले कब तक पुलिस स्टेशन को एड्रेस मुजरिम मन दिन लगे। कौन है बे तू? तेरा बाप बोल रहा हूँ उनियाल, नाम तो सुना ही होगा तूने। अब मैं आ रहा हूँ तेरे पास, अपनी जन्म कुंडली खोल के रख। अबे साले तू मुझे मरवा देगा, अच्छे भले पुलिस की नौकरी से भी हाथ धो बैठूंगा। बहुत पहुंचा हुआ वकील है, इसके आगे तो अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। भाई मुझसे ना होगा तेरा काम। पुलिस वाले होके भी डरते हो? भाई पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, और हर इंसान को डर लगता है अपने से ज़्यादा ताकतवर से। अबे साले तेरी तो फट गई, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भाई मेरी बात मान, भूल जा सब कुछ और अपना रास्ता देख, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए।
रास्ता क्यों रोक रहा है? माफी मांगना चाहता हूँ तुझसे। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है। आगे फटके हाथ में तेरे हैं। अब तू जो भी समझ, है तो हम दोस्त ही। अब तो पुरानी बातों को मार गोली, चल अपने पुराने अड्डे पर दारू पीते हैं। ये सब क्या है? कैसी रही सुबह की रात? अरे गुस्सा क्यों हो रहा है यार? अभी तो हमारी सुबह की रात की फिल्म रिलीज होनी बाकी है। चिंता मत कर, तेरा फोन नंबर टैग कर दूंगा, फिर फोन आएंगे तेरे पास। बेटे, मोंटी यारों के लिए यार है और गद्दारों के लिए काल। तूने मुझसे गद्दारी की और मेरे पेट पे लात मारी। कोई बात नहीं, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ये फिल्म कर देगी। क्या हासिल होगा तेरे को ये सब करके? मन की शांति। कल तक तो तू मेरा दोस्त था, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी थी, लेकिन आज तेरी बर्बादी में ही मेरी खुशी है। मुझे बर्बाद होने का कोई गम नहीं, क्योंकि मेरी बर्बादी में ही मेरी कामयाबी है। बेटे, जिस रास्ते को तू मेरी बर्बादी समझ रहा है ना, उसी रास्ते पर चल के मैं कामयाब होऊंगा। आज तक मैंने तेरे जिगलोपंथी के धंधे को तभी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि घर और समाज का एक डर था, लेकिन आज तेरी हरकत से वो डर खत्म हो चुका है। बदनाम तो होऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम तो होगा, और वो नाम मुझे वो पहचान देगा जो आज तक तू नहीं ले पाया, क्योंकि तेरे अंदर भी एक डर है घर और समाज का, इसलिए तू हर एक काम पर्दे के पीछे करता है। एक सेक्स वर्कर बनकर मेरी जिंदगी तो नरक बनेगी, लेकिन अपनी माँ और बहन के लिए कुछ एसेट्स तो बना ही लूँगा। बस एक बार मेरी बहन के साथ ही किसी अच्छे घर में हो जाए, और उसके बाद इस नरक की जिंदगी से बाहर निकल के मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। अच्छा दोस्त, मैं चलता हूँ।
बोल। ये क्या भेज रहा है? क्यों इतनी जल्दी भूल गया क्या? हमारे प्यार की वो याद है। लेकिन ये मुझे क्यों भेज रहा है? अब तक तो सिर्फ इसे हम दोनों देख रहे थे, पर तेरी हरकतों से लगता है कि पूरी दुनिया को दिखाना पड़ेगा। इसीलिए तुझे भेज रहा हूँ ताकि तुझसे अप्रूवल ले सकूं। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा, अब मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल करने जा रहा हूँ ताकि पूरी दुनिया देखे हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और तेरे बाप को भी तो पता लगना चाहिए कि उनका बेटा क्या गुल खिला रहा है। ये क्या नाम सुना बकरा तू? अबे ओए ध्यान से सुन, मुझे कोई डर नहीं है दुनिया का, क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूँ जब वही बर्बाद हो जाएगा तो क्या करूँगा मैं जीकर। पर हाँ, मरने से पहले मैं तुझे तेरा अंजाम तक जरूर पहुँचाऊंगा। सागर यार कैसी बातें कर रहा है? मैंने ऐसे क्या कर दिया? वो तो तू भी जानता है कि तूने क्या किया है, और जल्दी ये भी जान जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। सागर यार मुझे माफ कर दे, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मैंने दीपू के साथ कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ उसे डरा रहा था। अब क्या लेने आए हो? कुछ और भी है तो बता दो। तूने मुझे इतना कमीना समझ रखा है जो मैं तेरी जिंदगी और बात करूंगा? मेरा मकसद सिर्फ तुम दोनों को धमकाना था। मैंने सोचा था मेरे सामने तुम घबराओगे, डरोगे, मेरे आगे हाथ पैर जोड़ोगे। उसके बाद मैं तुमको सागर से अलग रहने के लिए राजी कर लूंगा। लेकिन आज मैं हार गया। क्या हम तीनों एक अच्छे दोस्त बनकर नहीं रह सकते?